Hello and welcome to all my dear little students. Guys, I hope you are doing great at your home. So now today I have to again come in front of you with a new topic from your GK syllabus. And today topic is very healthy, very important for you. So guys, now I'm going to teach you about something very important. It's healthy food. आज हेल्दी फूड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि फूड हमारे लिए हेल्दी क्यों है, हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं, इसको खाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे कौन कौन से चीज़ें हमें मिलती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मी अबाउट हेल्दी फूड. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट दिस एप्पल, बनाना, आफ्टर दैट केक, the next is sandwiches, then if I'm talking about other is vegetables, and after that milk, next is juice. So anything that we eat or drink is called food. कहने का मतलब ये है कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो हेल्दी खाएं या अनहेल्दी खाएं, उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं फूड. वो सारी चीज़ों फूड में आती हैं. फिर उसमें ये नहीं होता है कि ये फूड हेल्दी है या ये अनहेल्दी है. हम हेल्दी और अनहेल्दी का डिफरेंशिएट तब करते हैं जब हमें हेल्दी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो कि हेल्दी फूड खाने से क्या होता है, कौन कौन से फूड होते हैं. तो नाउ यू नो वेरी वेल कि फूड हेल्प अस बॉडी टू ग्रो. हम सभी को पता है कि जो फूड होता है, यानी जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर में लगता है, जिससे हमारा शरीर डे बाय डे ग्रो करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप पिक्चर को देखें, जिसमें एक छोटा सा बेबी है जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बड़ा होते होते एक यंग मैन बन चुका है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ फूड, जिससे बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं. एंड वन मोर थिंग इज कि फूड कीप्स अस हेल्दी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, कि जो फूड होता है या खाना जो होता है वो हमें हेल्दी बनाता है. ये हम बातें बहुत अच्छे से जानते हैं, घर में हमारी मदर्स हमें बताती हैं, फिर अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारी टीचर हमें कहती हैं कि हमें टाइमली लंच करना चाहिए, टाइमली डिनर करना चाहिए, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत खाने चाहिए. क्योंकि जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हम बहुत सारी डिसीज से बच जाते हैं, और इनकेस अगर हमें कोई डिसीज़ या बीमारी होती भी तो है, तो वो अगर हमने फूड अच्छे से लिया हुआ है तो वो फाइट करता है डिसीज़ को ख़त्म करने में, क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो चुका रहता है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड गिव अस एनर्जी टू थिंक, प्ले एंड वर्क. खाना खाने से, फूड खाने से, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट्स हों या ग्रेन्स हों, उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, हमको खेलना इजी हो जाता है, हम बहुत मेहनत से वर्क करते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी उसमें एड ऑन होती हैं, क्योंकि जब तक हम फूड नहीं लेंगे तब तक हम एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल कि वी कांट लीव विदाउट फूड. हम बिना खाना के ज़िंदा नहीं रह सकते. जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वाटर है, पानी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फूड भी है, क्योंकि अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते. एंड ऑल द न्यूट्रिशन इन प्रॉपर पोर्शन, हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली फॉर मदर्स, कि हम जो भी अपने घर में खाने के लिए सर्व कर रहे हैं, फिर चाहे बेबीज़ को करें या यंग को करें या ओल्ड एज को करें, किसी को भी करें, उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए. जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, लाइक उसमें पल्सेस होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, कर्ड होनी चाहिए, सैलेड, तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत सारी डिजीज़ को ऑटोमेटिक फाइट करके रिकवर कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है. तो इसलिए बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम बात करें फूड्स के टाइप की, तो बहुत सारे फूड्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, और उन सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तत्व होते हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स,
ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अलग अलग फूड आइटम से मिलती हैं, अलग अलग ड्रिंक से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में इन सभी चीज़ों का होना प्रॉपर वे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारे बोन्स कमज़ोर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी को अच्छे से ग्रो कराने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक एक लेवल पे आके आपकी बॉडी को बहुत फिट रखता है, एनर्जेटिक रहता है। पल्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मिल्क तो कैल्शियम के लिए, अगर आपको बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम चाहिए तो यू हैव टू टेक मिल्क, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा द मेन चीज़ इज़ कि वाटर इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू क्लीन अप आवर बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, हम सभी जानते हैं कि हम जितना पानी पियेंगे उतना हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होगी, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिक ख़त्म कर देगी और हमारे बॉडी का जो डाइजेशन पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। हम जो भी खाएंगे वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो इसलिए वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पानी प्रॉपर वे में पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी अच्छे से पियेंगे तो हमारी बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व होगा, डाइजेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई चैप्टर हियर। टुमारो आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक, न्यू डिस्कशन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड यस, स्टे एट योर होम। ओके।